नमस्कार, मैं पूजा यादव लेकर हाजिर हूं आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। बेंगलुरु हिस्सा में पुलिस की कार्रवाई जारी, एसडीपीआई नेता समेत अब तक 145 गिरफ्तार, 3 की मौत, 250 गाड़ियां खक। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना के पेट्रोल टीम पर संदिग्ध आतंकियों का हमला, एक जवान घायल। सुशांत सिंह राजपूत केस में फिर नया टर्न, अब पटना पुलिस को जांच टीम पर मुंबई में हो सकती है एफआईआर। संजय दत्त की तबियत पर बोली मान्यता, संजू फाइटर है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। फतेहाबाद में फूटा कोरोना बम, बुधवार को एक साथ मिले 30 कोरोना पॉजिटिव मरीज। राजस्थान के विधायक जैसलमेर से जयपुर लौटे, गहलोत खेमे के विधायक अभी होटल में ही रहेंगे, बस में गाना गुनगुनाया, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। दुनिया की पहली वैक्सीन अपडेट, राष्ट्रपति पुतिन की बेटी को वैक्सीन देने के बाद शरीर का तापमान गिरा, काफी संख्या में एंटीबॉडीज बनी। पंजाब की राजनीति में कांग्रेस सांसद बाजवा का कैप्टन के नेतृत्व में चुनाव लड़ने से इनकार, सुरक्षा हटाने पर कहा, अगर मुझे और मेरी परिवार को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार डीजीपी होंगे। सोलन जिला प्रशासन ने लोगों को दी चेतावनी, क्षेत्र में आने वाले बाहरी राज्यों के लोगों की जानकारी दे, अन्यथा मकान मालिक के खिलाफ होगी कार्रवाई। कोरोना अपडेट, देश में एक दिन में 61,252 मरीज, देश में बढ़े अब तक 23.28 लाख केस, मुंबई के धारावी ने कोरोना को मात दी, 10 दिन में एक भी मौत नहीं। 6 महीने बाद 36 यूरोपीय देश के नागरिक चीन जा सकेंगे, वीजा के लिए नहीं चार्ज लगेगा कोई भी, दुनिया में अब तक 2.05 करोड़ केस। शेयर मार्केट में कोरोना के तीसरे दिन बीएसई 37 अंक और निफ्टी 14 पॉइंट नीचे बंद हुआ, एचसीएल टैंक के शेयर में 5% की बढ़त। अब तक के लिए इतना ही, फिर लौटूंगे आपके लिए देश प्रदेश की कुछ बड़ी ताजा खबरें लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए अर्थप्रकाश टीवी। अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताजा अपडेट्स और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव।